सो आज है मेरे पास रोनिन 225 एंड आज जो है ना अपन इसका हेडलैम्प टेस्ट करने वाले हैं, नाइट में देखने वाले हैं कि जो इसकी हेडलैम्प है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट है। वैसे जो इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जिसमें कि हैजार्ड का भी फीचर आपको मिलता है बाइक में, और यहाँ पे जो है ना आपको डीआरएल मिलती है जिसकी ब्राइटनेस मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इसके हेडलैम्प्स है ना वो इतने पावरफुल है कि आप बोलोगे वाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके हेडलैम्प्स। उससे पहले इसकी टेल लाइट के भी जो है मैं आपको दर्शन करा ही देता हूँ। तो ये चेक करो इसकी टेल लाइट, एलईडी टेल लाइट है, काफ़ी सुंदर लगती है रात में। और ये जो बाइक है ना लाइक चलाने का इसका अलग ही मजा है, राइड रिव्यू मैंने डाल रखा है, जाके चेक करो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके हेडलैम्प्स। अभी करते हैं बाइक को स्टार्ट एंड देन देखते हैं इसके हेडलैम्प्स। सबसे पहले लो बीम आप चेक करो, तो ये है इसकी लो बीम, और लो बीम जो है ना काफ़ी ब्राइट है, बट इससे भी ज़्यादा इसकी जो हाई बीम है ना वो है। तो सबसे पहले आप ना पासिंग लाइट देखो इसकी, लगी जो है ना इसकी पासिंग लाइट है जो दूर तक ब्राइटनेस देती है, ठीक है। अभी मैं आपको हाई बीम दिखाता हूँ, तो ये इसकी हाई बीम है जो वहाँ तक जाती है। तो हाई बीम भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, और ओवरऑल जो है ना बाइक का लाइक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है हेडलैम्प्स के मामले में। आपको दिखाता हूँ मैं बाइक फ्रंट से, तो ये देखो लाइक ये जो चार चार एलईडी लाइट्स इसमें दी है ना, इसकी वजह से ना जो ये ब्राइटनेस है ना देखो कहाँ तक जा रही है, मेरी परछाई आप चेक करो। लाइक मैं जो है ना अभी टावर के साथ में देखो भाई छुड़ गया हूँ, तो ये चेक करो, जस्ट अ पार्ट ऑफ किडिंग। तो इसको छोड़ो, बाकी इस आप देखो लाइक ब्राइटनेस देखो कितनी ज़्यादा जा रही है, वहाँ तक ब्राइटनेस जा रही है। और ये रही अपनी बाइक यहाँ पे, तो ब्राइटनेस के मामले में ना लाइक आपको कोई कमी यहाँ पे लगेगी नहीं। और अभी जो है ना एक पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि राइड करते टाइम कितनी ब्राइटनेस आपको मिलती है, तो वो भी अभी आप इंजॉय करना, लेकिन उससे पहले आप पूरा ओवरऑल एक लुक ले लो बाइक का। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरी ओवरऑल ब्राइटनेस। तो अभी जो है ना बाइक को चलाते हैं देन देखते हैं कैसी ब्राइट। अभी जो है ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोनिन का हेडलैम्प टेस्ट। तो फिलहाल आप देख रहे हो लो बीम, ठीक है, और अभी कर देता हूँ मैं हाई बीम। तो देख रहे हो हाई बीम काफ़ी अच्छी है इसकी, जो कि आप देख पा रहे हो काफ़ी आगे तक जो इसकी ब्राइटनेस जाती है, और जो पूरा रोड है ना वो पूरा विजिबल होता है इसकी वजह से। तो ये है रोनिन का हेडलैम्प जब आप ऐसे रास्तों पे चलते हो तो, और यदि मैं इसकी पासिंग लाइट दिखाऊँ ना तो वो और देखो आप एक बार। सो ये देखो, देख रहे हो, तो ये है इसकी पासिंग लाइट जो कि ऑल्सो काफ़ी ख़तरनाक है मीन्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है यार, देख रहे हो। यदि आप सामने वाला बंदा यदि साइड ना भी देगा ना तो वो भी दे देगा आपकी इस हेडलैम्प से, ये इतनी ज़्यादा ब्राइट है ना एकदम से लगती है यार। सो गाइस आपने देखा लाइक बाइक चलाते टाइम भी आपको काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है नो डाउट। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना। बाकी यही था कुछ आज की वीडियो में, दिखानी थी आपको इसकी लाइक ब्राइटनेस की कैसी है कैसी नहीं है इसके हेडलैम्प्स की ब्राइटनेस। तो ये है इसकी ब्राइटनेस, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, तो लाइक मैं 10 में से नंबर देना चाहूँगा तो लगभग 8 नंबर मैं इसको दूंगा कि हाँ 8 out of 10 जो इसको दे सकते हैं, क्योंकि जो ब्राइटनेस है ना वो काफ़ी अच्छे लेवल की है। अभी जो ना एग्जॉस्ट साउंड आप सुनो, ये जो साउंड है ना जब आप गलियों में से लेकर निकलते हो ना लाइक स्ट्रीट्स में से, तब आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देती है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त साउंड फील होती है ना यार पूछो मत, मतलब काफ़ी अच्छी साउंड लगती है आपको। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।